Assalamu alaikum, my name is Hira Amir and I'm back with another video that is 12 step recovery program. I hope कि सब awake हैं और awaken हैं. मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग mentally awaken हैं कि हम लोग 12 steps के ऊपर बात कर रहे हैं from last few days. So हर वीडियो में कुछ नया होता है, हर वीडियो में एक नया स्टेप होता है और हमें पता चलता है कि क्या स्टेप क्या मैसेज दे रहा है या क्या हमें रिक्वायर कर रहा है एज अ पर्सन से कि उसे क्या लाइफ में या क्या अपनी रूटीन्स में अपने बिहेवियर्स में अपने एटीट्यूड्स में चेंजेस लाने हैं ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके और एक पॉजिटिव कम्युनिटी का पार्ट बन सके. सो मूविंग ऑन विद दैट, आज बताती चलूँ कि हमें बनी गाला ऑफिस से लाइव लेंगे आज अमर तलत को. सो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट विद हिम and see what we hopefully connected right now. So yes, Dr. Talat, can you hear us? Hello, Dr. Talat, can you hear us? I think he's not there. Until he connects with us, let me just open up more that yes, we need to subscribe, follow and like the channel and get updated with new stuff and new content. मूविंग ऑन, आज हम बात करेंगे 12वें स्टेप के ऊपर जो कि हमारा क्रक्स है. 12 जो पिछले 11 स्टेप गुजरे हैं उनका, जिनके ऊपर उसका जो फाउंडेशन है वो खड़ी हुई हुई है 12 स्टेप की, कि वो कैसे किस खूबसूरती से 12 स्टेप जो है वो क्लोज करता है इस प्रोसेस को और कैसे एक खूबसूरत नोट के ऊपर बात एंड होती है इस प्रोग्राम की. तो दोबारा से एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम अपने गेस्ट के साथ कनेक्ट कर सकें. डॉक्टर, कैन यू हियर अस? जी 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 जी. यस डॉक्टर तलत, क्या मेरी आवाज क्लियर है आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर. हमारी भी आवाज आपके साथ बिल्कुल क्लियर है. सो आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस दैट हम लोग आज 12वें स्टेप का क्लोजर करने वाले हैं और बहुत खूबसूरत नोट के ऊपर बात होने वाली है जो कि हमारा फाउंडेशन है इस प्रोग्राम का. सो बताती चलूँ कि 12वां स्टेप क्या क्या रहा है ताकि हम अपनी डिस्कशन आपके साथ शुरू कर सकें. 12वां स्टेप कहता है, हैविंग एंड हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, वी ट्राई टू कैरी द मैसेज ऑफ एल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट्स एंड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल आवर लाइफ अफेयर्स. बहुत सारी अच्छी बातें इसमें हुई हैं जिसमें से मेन बताती चलूँ कि बात होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, देन बात होती है कि ये हमारे कैसे लाइफ अफेयर्स के ऊपर सारी चीज़ जो है वो लाए कर रही है, ये कैसे लाइफ अफेयर्स को कंट्रोल कर रही है. माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर तलत फ्रॉम यू इज दैट व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू वांट टू गिव ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग? हाँ जी, असल में होता ही है ना कि एक फ्रेंच ईडियम है, उसमें कहते हैं कि आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी क्लियर आ रही है, आपकी क्लियर आ रही है. एक फ्रेंच कहावत है और उसमें कहते हैं कि वी आर एक्चुअली बॉर्न एज सोल्स बट हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. मैं उसको थोड़ा और भी चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम स्पिरिचुअल बीइंग के साथ साथ वी आर ह्यूमन बीइंग के साथ साथ वी आर केमिकल बीइंग्स एज वेल. हम केमिकल्स पे ऑपरेट करते हैं. स्पिरिचुअलिटी जो है ये हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है. 12 स्टेप में भी जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है उसमें भी स्पिरिचुअल मॉडल भी है, जिसे पूरा बायोसाइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल कहते हैं. अब हम अपने अगर माशरत के लिहाज से बात करें, अपनी सोसाइटी के लिहाज से बात करें, तो रूहानियत जो है ये एक बहुत बड़ा फील्ड है. रूहानियत से यहाँ मतलब यह है कि जब आप, एक होता है रिलीजन, एक मज़हब है और एक रूहानियत है, एक रिलीजन है, एक स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी एक बड़ा अम्ब्रेला है. स्पिरिचुअलिटी में ये भी है कि अगर आप वालदैन को उफ करते हैं तो ये भी स्पिरिचुअलिटी के ख़िलाफ़ है. अच्छा, अब जब यहाँ 12 स्टेप में जब आखिरी स्टेप पे पहुँचा बिल विल्सन, तो उसने कहा कि हमें कुछ भी हो, हमें जब तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं आएगी हम अपने रिकवरी प्रोग्राम को कामयाब नहीं कर सकते. अब यहाँ रूहानियत जगाने का मतलब बड़ा इम्पॉर्टेंट है. हमने दुनियावी कोशिशें सारी कर ली, हमने एडमिट भी कर लिया, हमने ड्रग्स भी छोड़ दी, हमने 12 स्टेप को भी फॉलो कर लिया, हमने सिग्निफिकेंट अदर को भी फॉलो कर लिया, हमने इन्वेंट्रीज भी बना ली, हमने दोस्तों के साथ अमेंडमेंट कर भी लिया और वादा भी कर लिया, हमने इस बात पर भी एग्री हो गए कि हम खुदा से हमेशा अज़्ज़ो इनकसारी से बात करेंगे. लेकिन लास्ट में फिर क्यों ज़रूरत पड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की? क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक नेमत है. ये सब लोगों के पास नहीं होती. वो लोग जो स्पिरिचुअली अवेकन हैं, जो स्पिरिचुअली जागे हुए हैं, जो स्पिरिचुअली अपने आप को इस लिहाज से हैं कि वो स्पिरिचुअल
जो कंटेंट्स हैं उनको जानते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उनके पास ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से अगला स्टेप आपको जो रूहानियत में मिलता है वो एक नई सोच मिलती है, एक नई उमंग मिलती है ज़िंदगी गुजारने की। तो यहाँ पे नशे के मरीज़ को जब 12 स्टेप में से गुजारते हुए हम लास्ट स्टेप में पहुँचे, तो यहाँ बात हुई कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो। बिल्कुल अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग फिर यहाँ सिर्फ हम तक ख़त्म नहीं होती, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आगे तक जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ 12 स्टेप में एक और बात ऐड की गई है कि आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप्स को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को खुद भी प्रैक्टिस करेंगे और दूसरों तक भी लेके जाएंगे। जी दूसरे कौन हैं? दूसरे नशे के मरीज। बिल्कुल अब यह एक टेक्निकल पॉइंट है बीच में कि दूसरे नशे के मरीजों को कब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपने इनवाइट करना है, तो ड्यूरेशन बीच में क्या। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा साइंस को देखना होगा, थोड़ा सा मेडिकल साइंस को देखना होगा। जब लोग नशा करते हैं ना, जब लोग नशा करते हैं जी तो उनकी जो ब्रेन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एक इंसान जिसने ड्रग्स ली, एक इंसान जिसने कभी ड्रग्स नहीं ली, दोनों का आप सीटी स्कैन कराते हैं तो जिसने ड्रग्स ली हुई हैं उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है। अच्छा, अब ड्रग्स लेने की वजह से वो बदला, अब हुआ क्या कि वो ट्रीटमेंट सेंटर में आए, वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से गुजरे, वो काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरे, वो फैमिली थेरेपी में से गुजरे, गुजरते गुजरते वो 12 स्टेप से गुजरते गुजरते रिकवरी में आ गए। बिल्कुल रिकवरी में आए तो ये नॉर्मल इंटरनेशनली 12 वीक्स का प्रोसेस होता है ये सारा। जी अच्छा, अब 12 वीक्स तो सिर्फ आप बेसिक लॉन्चिंग पैड पे आए हैं जहाँ से आपने लॉन्च होना है सोसाइटी में, तो आपकी बेसिक्स बनी है अभी। अच्छा, अब मरीज घर जाता है और वो घर जाके उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करता है जो उनको काउंसलिंग में दी गई। वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखता है, वो बिल्कुल अपने फैमिली के साथ अच्छी बातचीत शुरू कर देता है, उनका ख्याल रखना शुरू कर देता है, उनके दुख सुख बांटना शुरू कर देता है, वो बुरे दोस्तों को छोड़ देता है और अच्छे दोस्त बनाता है, और वो दोस्त जिन पे घर वालों को भी ट्रस्ट होता है और वो घर पे आ भी सकते हैं और उन पे सबको ट्रस्ट है कि ये कोई गलत काम नहीं करते, बिल्कुल वो अपना जो तालीम है या अपना रोजगार है उस पर भी बहाल हो जाते हैं और वो भी शुरू कर देते हैं और वो अपना खुदा से भी कांटेक्ट रखते हैं। तो जब ये सारे काम करना शुरू कर देते हैं तो उनको कुछ अरसा इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। अब वो कुछ अरसा कितना है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर 2 साल तक एक मरीज रिकवरी में रहता है तो उसका ब्रेन जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर खराब हुआ था वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। अब वो आफ्टर 2 ईयर्स, एक बंदा जिसने ड्रग्स ली थी और एक बंदा जिसने ड्रग्स नहीं ली थी, उन दोनों का ब्रेन नॉर्मल हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। अब यहाँ पे जो 12 स्टेप में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद दूसरों तक ये पैगाम लेके जाने की बात हुई है उसमें 2 साल का अरसा है। यानी अगर कोई मरीज ये वीडियो देखता है या आपको आपके पास आता है या आप उसके बात करती हैं तो आप उनको सिंपल सा ये बताते हैं कि जब आप अभी इलाज करा के घर जाते हैं तो फौरन जाके आप दूसरे नशे के मरीजों को समझाना नहीं शुरू करते, जी क्योंकि जिस फील्ड में आप अभी हैं यानी रिकवरी में और जिस फील्ड में वो हैं कि जिसमें वो ड्रग्स टेकिंग बिहेवियर में हैं, तो आपका भी एक्सपीरियंस 2 महीने 3 महीने का है, जी उनका वहाँ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जी तो वो आपको जल्दी समझा लेंगे ऐसा ड्रग नहीं लेने के होता है लिए मुझे। बनिस्बत के आप उनको समझाएं रिकवरी के लिए। तो अगर ऐसा कोई मामला होता भी है कि जहाँ आपके कोई पुराने दोस्त थे और वो भी आप इलाज कराना चाहते हैं तो आप सिंपल सा अपने लव्ड वंस को कहते हैं कि आप उनकी फैमिली से बात कर लें और वो थेरेपिस्ट से बात कर लें, तो बिल्कुल मरीज डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू 12 स्टेप प्रोग्राम 2 साल तक आप मरीज के साथ किसी दूसरे नशे के मरीज को आप टीच यू आर नहीं कर। एक्चुअली आल्सो कंसीडरिंग अस द कांसेप्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप हियर कि ट्रू स्पॉन्सरशिप नहीं आप कर सकते 2 साल तक। ट्रू ट्रू जी बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि जी स्पॉन्सरशिप 12 स्टेप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जी लेकिन स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर बनने के लिए भी आपको कुछ SOP को फॉलो करना है और बिल्कुल उसमें पहला SOP तो डेफिनेटली की रिकवरी का सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। या बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया है कि ज़रूर इस पे हम बात करेंगे आने वाले दिनों में कि स्पॉन्सरशिप क्या है एक्चुअली। सो वी विल कनेक्ट विद यू विद दैट टू। जी जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे उसमें हैं। ये ना कि जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हुई है उससे पहले हम बात कर रहे थे कि प्रेयर और मेडिटेशन पे हम बात कर रहे थे कि हमें प्रेयर और मेडिटेशन के थ्रू हमें कॉन्शियस लेवल पे गॉड से कांटेक्ट बनाना है। तो बिल्कुल उसमें मैंने आपको याद होगा कि मैंने एक थॉमस एडिसन की एग्जांपल दी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
यहाँ 12 स्टेप में जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप दूसरे इंसानों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो दूसरे इंसानों के लिए मदद जो आप करना चाह रहे हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये आपका वो गॉड से कॉन्शियस कॉन्टैक्ट है, ये वो मेडिटेशन और प्रेयर का कॉन्सेप्ट है जो 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 12 स्टेप में दे दिया गया है। तो यहाँ पे जब हम दूसरे इंसानों की मदद करते हैं तो हम इनडायरेक्टली अपने खुदा को भी खुश कर रहे हैं, क्योंकि हमसे दूसरे जो हकूकुल इबाद का मामला है उसकी भी पूछ होनी है। नशे में हमने जो चीज़ें खोई थी, जहाँ हमने सेहत खो दी, जहाँ हमने फैमिली खो दी, जहाँ हमने अच्छे दोस्त खो दिए, जहाँ हमने जॉब या तालीम खो दी, वहाँ हमने साथ दूसरे इंसानों की मोहब्बत भी खो दी थी। हमने दूसरे इंसानों का ख्याल नहीं रखा था, हमने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया हुआ है, हमने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा हुआ है, और वो जो दूसरे लोग हैं ना, उनका खुदा भी तो है। तो यहाँ पे जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात है कि अल्लाह ताला हमारे जहन को इतना खोल दे, इतना रूहानियत हमारे अंदर डाल दे कि हम दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना शुरू करें, तो जब हम दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते हैं तो फिर हमारा जो रिकवरी प्रोग्राम है वो और स्मूथली चलता है। क्योंकि वो एंथनी रॉबिन्स है, वो कहता है कि आपका ग्रेटेस्ट एसेट आपकी ज़िंदगी में दूसरे लोग हैं। कितने आपने अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हैं, ये आपके आपका सबसे बड़ा सरमाया है। तो अब हमारा नशे का मरीज़ जब नशे की हालत में होता है तो अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा सरमाया ज़ाया करता है वो उसके दूसरे लोगों से कॉन्टेक्ट है, घर वाले या दोस्त या रिश्तेदार या जनरल पब्लिक, कोई भी बंदा उनकी मदद को आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल। आप कहीं बनिगाला में जाएं या कहीं इस्लामाबाद में किसी जगह जो लोग मांगने वाले आते हैं, तो बाज़ार लोग उनको कहते हैं तुम नशा करते हो। अगर वो नहीं भी करता तो हमने इनडायरेक्टली उसके जहन में डाल दिया है कि हम आपको नशे का मरीज समझते हैं, तो हमने उसके जहन में नशा डालना शुरू कर दिया। तो अब होता क्या है कि हम इंसानों को खराब करने की तरफ क्यों बढ़े, हम क्यों ना एक नशे के मरीज को भी इतना अच्छा मैसेज दें कि वो ठीक होने की तरफ बढ़े और उसे लगे कि एक इलाज करने वाला और एक वो बंदा जिसका इलाज हो चुका है, ये एक बदले हुए इंसान है। तो बदले हुए अगर अच्छे तरीके से बदले हुए हैं तो लोग आपकी तरफ कच्चे धागे से बंधे चले जाते हैं। बिल्कुल, अच्छी बात किया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है ये बात जान के। एक्चुअली इतना खूबसूरत स्टेप है ना ये 12वां, कि इससे आपको पता चल जाता है कि आपने अपनी जो रिकवरी का जो प्रोसेस चलाया था स्टेप 1 से, वो कितनी खूबसूरती से लाए कर रहा है, कैसे वो उसकी फाउंडेशन बनाई गई है, कि कैसे आप उसको अपनी ज़िंदगी पे यूज़ कर सकते हैं, ज़िंदगी उस पर चला सकते हैं उस ट्रैक पे। तो इसमें सॉरी इसमें होता ही है ना कि हम जितना भी इस पे अभी बात कर लें वो कम होगी, बिल्कुल, क्योंकि 12 स्टेप में स्टेप 12 जो है ये एक समंदर की तरह है। इसको डेफिनेटली हम सबको पढ़ते रहना चाहिए कि इसमें और एक्सप्लोर करते रहें। अगर हमारे कुछ ऐसे ऑडियंस में हैं जो एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स हैं, वो ज़रूर पढ़े 12th स्टेप को। 12th स्टेप को जितना पढ़ते हैं उतना ये हमारे जहन की डिफरेंट जो विंडोज को ओपन करता है, और फिर हमें वही अपने पेशेंट को भी ओपन करानी होती है, ताकि जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम अपने मरीज़ को बेहतर तरीके से कन्वे कर सकेंगे। जब मरीज़ को बेहतर कन्वे करेंगे तो उसकी ज़िंदगी में रिकवरी प्रोग्राम की अहमियत बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फिर डेट द बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी जो फैमिली उनकी इन्वेस्ट करती है। तो अगर भरोसा ला सकते हैं हम वापस, सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं इलाज से मुमकिन ही नहीं है इलाज नशे का। True. ये इतनी एक प्रैक्टिस मिथ हो चुकी है कि नशे से तो आपकी रिकवरी है ही नहीं, अगर आप नशे में पड़ गए तो इलाज कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में बजाय कि हम मिथ्स पे ज़िंदगी गुजारें, क्यों ना असलियत की तरफ बढ़ के देखें तो सही कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पा सकते हैं। तो अगर आप बजाय के लोगों की बातों में आएँ और लोगों की बातों में अपनी ज़िंदगी को फंसाएँ, बेहतर है कि आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले लें। रिकवरी पॉसिबल है, ये हम इन वहमों से निकल आए कि नशे का इलाज कामयाब नहीं होता। दुनिया भर में रिहैब इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट ना होता तो रिहैब इंडस्ट्री सरवाइव ना कर सकती। हाँ, होता यह है कि बाज़ ऐसे लोग भी प्रैक्टिस में आ जाते हैं जिनको अगर कोई और काम नहीं मिलता तो वो कोई भी एक जगह लेते हैं और वहाँ वो नशे के मरीजों को रख के और उनका नशा बंद करके और उनको बस सिर्फ खाना पीना दिया,
तो ऐसी येलो प्रैक्टिसेज हैं वो मेन स्ट्रीम एडिक्शन ट्रीटमेंट को बदनाम करते हैं। बिल्कुल तो डेफिनेटली अगर फैमिलीज हमारी वीडियो ये देखती हैं तो उनको सिंपल सा होना चाहिए कि जब भी वो अगर कोई लव्ड वन नशा करता है तो पहली बात है कि उससे आर्ग्यूमेंट्स ना करें, उससे बहस ना करें, खास तौर पे जब वो इंटॉक्सिकेटेड हो। आप इलाज के लिए बात करें, इलाज के लिए बात करने का मतलब यह है कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प में जाते हैं, बिल्कुल आप किसी रिहैब फैसिलिटी को विजिट करें। सबसे पहले आप देखें कि वहाँ मेडिकल कवर है कि नहीं, जी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सेकेंड नंबर पर उनका ट्रीटमेंट प्रोग्राम क्या है, थर्ड नंबर पर उनकी काउंसलिंग टीम कौन सी है, और बिल्कुल फोर्थ पे आप इनडोर विजिट करते हैं कि आपकी फैसिलिटी क्या होगी, यहाँ मरीज को रखा कैसे जाता है, उसकी देखभाल कैसे की जाती क्या है। ऑफर तो करें। ये क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा बात की थी कि हमने ट्रीटमेंट को मिस्टीरियस बना दिया पाकिस्तान में। एडिक्शन ट्रीटमेंट इज जस्ट लाइक एनी अदर ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल मिस्टीरियस नहीं बनाना। तो डेफिनेटली आप जब 12 स्टेप ये करते हैं, आप डेफिनेटली अवेयरनेस दे रहे हैं और मुआशरे में बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होगा। तो जब भी कोई हेल्प चाहिए हो, सिंपल सा गूगल करें, जी प्रैक्टिकली जाके विजिट करें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और एडिक्शन ट्रीटमेंट इट इज समथिंग प्रैक्टिकल और जी रिकवरी इज समथिंग इंडीड प्रैक्टिकल पॉसिबल और यस इट्स पॉसिबल। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर तलत। बेसिकली मैं ये बात ऐड करना चाहूँगी इस वीडियो में कि ये 12 स्टेप जो है ये हमारी ज़िंदगी के तमाम अफेयर्स को कवर करता है, तमाम ट्रू अफेयर्स को। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही यही है कि अब आप इस अवेक हुए हैं, स्पिरिचुअली आप इतने अवेकन हैं कि यू नो आपका कौन सा लाइफ अफेयर है जिसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट है। नाउ यू आर मोर टूवर्ड्स रिस्टोरेंस ऑफ योर सेनेटी एंड यू आर एब्सोल्युटली मोर अवेयर एंड कॉन्शियसली एफर्टिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ट्रू सो इट्स ऑल अबाउट एफर्ट एंड इट्स ऑल अबाउट बिलीव इन चेंज। अगर हमारा चेंज के ऊपर भरोसा हो, हमें उम्मीद हो कि चेंज ज़रूर आएगा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं बदल सकते, चाहे वो हमारे रवैये हों, चाहे वो हमारी बुरी आदत हो, या हम किसी नशे जैसी बुरी बीमारी में फंस जाएँ। क्योंकि बीमारियाँ तो इंसान को लग जाती हैं, लेकिन अगर आप उस बीमारी का इलाज नहीं लेते तो वो आप अपने साथ खुद नुकसान करते हैं। तो बेसिकली हूसोएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, वेदर ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दी डिजीज ऑफ एडिक्शन और ही इज अ फैमिली मेंबर ऑफ दैट पर्सन हु इज अ ड्रग एडिक्ट और एनी प्रोफेशनल, आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज। जस्ट इफ यू गेट कॉट इन दिस डिजीज ऑफ ड्रग्स, जस्ट गेट हेल्प। इट्स नेवर टू लेट टू आस्क फॉर हेल्प और सीक हेल्प। आस्क फॉर हेल्प एंड वी एज प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स, गुड एंड ग्रेट डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर तलत इज आर ऑलवेज देयर टू हेल्प सच पेशेंट्स एंड फैमिलीज। So never get disappointment and be focused in your lives and be hopeful, because hope जहाँ होती है वहाँ change ज़रूर आता है। और अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। आज हम अपने 12 स्टेप प्रोग्राम को क्लोज़ कर रहे हैं और नए टॉपिक के साथ, नई गुफ्तगू के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा, हम अपनी ऑडियंस के सजेशंस को वेलकम करते हैं और इम्प्रूवमेंट लाने में वो हमें हेल्प करती है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड टिल देन प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू।